तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और कल रात के बारिश के कारण प्रकृति काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है और सुबह सुबह चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ काफ़ी मीठी लग रही है। साथ ही साथ प्रकृति आज काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। तो चलिए जी सुबह सुबह पहले चाय का आनंद ले लेते हैं। चलिए जी आप लोगों को ले चलते हैं थोड़ा अपनी गौशाला की तरफ। और ये जो हमारी गाय है और सुबह सुबह इसमें दूध दो रहे थे तो ये परसों से बीमार है। हमें लगा इसका पाँव मुड़ा हुआ है ये वाला, पर आजकल पहाड़ों में गाय भैंसों पे एक बीमारी चल रही है जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा आजकल इसकी तबीयत ख़राब है। और इसका जो ये आगे वाले पाँव पे एक दाना टाइप का आ रखा है, हमें लगा इसका पाँव मुड़ गया है, पर इसका पाँव मुड़ा नहीं था क्योंकि घर पे ही था तो कहीं नहीं गया। हमें लगा कहीं ऐसी जगह पे पाँव रख दिया होगा कि जहाँ पे मुड़ गया होगा, पर इस पर कोई बीमारी लगी हुई है। और काफ़ी सारे गाय और भैंस तुरंत ही मर जा रहे हैं उस बीमारी से। हमने कल ही तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर से हमने इंजेक्शन लगवाया क्योंकि हमें पहले पता नहीं था, फिर हमें बाद में पता चला कि हाँ भाई ये बीमारी लगी हुई है। तो क्योंकि कल वाला व्लॉग नहीं आया है तो इस वजह से आप लोगों को मैं बता नहीं पाया, क्योंकि 2-3 दिन से मैं भी खुद बीमार हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हरि फरसवाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ पिंडर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी सुबह के करीबन 9 बजने वाले हैं तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। और 1-2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब थी तो इस वजह से मैं 1-2 दिन से ब्लॉग नहीं बना पाया। तो अभी भी मेरी तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब है और अभी सुबह के करीबन 8 बज रहे हैं तो पहाड़ों में लगातार मौसम बदल रहा है तो इस वजह से तबीयत ख़राब होना तो एक आम बात सी है। और काफ़ी दिनों से 2-3 दिन हो गया मेरे तबीयत को ख़राब हुए। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से कुछ ही दिन बाद हमारी YouTube की पहली इनकम भी आने वाली है और ये सब कुछ हो पाता है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण। जो YouTube की पहली इनकम आएगी उस पर मैं अपनी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और साथ ही साथ आप लोगों को भी बताऊंगा कि कितने पैसे मिले। तो भाई देखिए पहाड़ के लोग काफ़ी ज़्यादा कर्मठ होते हैं और इतनी ठंड में भी देखिए भाई पानी लेके जा रहे हैं और भी पानी गिर भी रहा है। तो भाई इसको देखिए आप कितने चक्कर ले लिया भाई तूने सामान? 5-6 चक्कर। 5-6 चक्कर लगा दिया। भारी हो रहा है हल्का है तेरे पास ये है? सारा सामान तू ही बोकता है? सब कुछ। नेपाल से हो? हाँ। आराम से ले जा भाई आराम से ले जा। अभी और कितने चक्कर हैं? 8-9 चक्कर और। तो गांव में भाई एक शादी है तो इस वजह से सामान सारे हैं। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए मार्केट और काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है, इस वजह से मैंने ये टोपी है ये पहन ली है और इससे क्या है कि थोड़ा बहुत ठंड कम लगेगी और बाइक भी नहीं चलाई जाएगी और काफ़ी मुश्किल से चलाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत वीकनेस जैसे आ रही है। फाइनली अभी मैं मुश्किल से घर वापसी आ चुका हूँ दवाई लेके। काफ़ी तेज़ हवा हो रही है यहाँ, आज पता नहीं क्यों मौसम बिगड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी शुरू हो गई है पहाड़ों में फिर से। और घर चलते हैं पहले दवाई खा लेते हैं। तो भाई दवाई आ चुकी है, दवाई खा लेते हैं पहले और दो दवाई ले ली मैंने।
तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी फिर से देखिए बारिश शुरू हो चुकी है, और साथ ही साथ मौसम विभाग ने 2-3 दिन के लिए और बारिश के लिए कहा है, और बर्फबारी भी हो सकती है। और ये नज़ारे देखिए आप, साथ ही साथ यहाँ पे एक ना एक दो चिड़िया चहचहा रही है, उसकी आवाज़ सुनिए आप, कू 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 करिए। ये वही दिन भर रहते हैं और रात को भी करते हैं ऐसे, दिन भी रात भी चहचहाती है ये चिड़िया। तो अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और बारिश अभी तक नहीं थमी, और मौसम जो है देखिए आप, काफ़ी टाइम हो गया बारिश लगे हुए, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा होगा आपको पीछे। और ऐसे ही वैसे तो आजकल गर्मी बढ़ जानी थी, फिर भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो चलिए जी, मैं हरि परसवान मिलता हूँ आप लोगों से फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मैं हरि परसवान मिलता हूँ आप लोगों से एक ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।